बिहार में मॉनसून की दस्तक के बाद लगातार तेज बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग लगभग हर दिन के लिए अलर्ट जारी कर रहा है। इसी कड़ी में बीती रात से ही बिहार के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसको देखते हुए सूबे के 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश भी हो सकती है, साथ ही कुछ जगहों पर 200 मिलीमीटर तक अति भारी बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी कर बताया गया है कि एक ट्रफ रेखा बिहार से होकर गुजर रही है, साथ ही सूबे के उत्तर भाग में पूर्वा हवा नमी लेकर आ रही है। इसी वजह से राज्य के एक भाग में जहां भारी बारिश हो सकती है, वहीं दक्षिणी भाग में अभी 2 दिन गर्मी और उमस की स्थिति बनी रहेगी। बता दें कि पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 100 से 150 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, साथ ही 48 घंटों के दौरान वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अन्य सभी जिलों के लिए गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे में राज्य के उत्तरी भाग और हिमालय की तलहटी से जुड़े जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इनमें गौनाहा में 150 मिलीमीटर, बैरगनिया, नरपतगंज, रामनगर में 80 मिलीमीटर, निर्मली में 70 मिलीमीटर, सिकटी में गलगलिया, झंझारपुर और कटिहार में 60 मिलीमीटर दर्ज की गई है। बीती रात पटना में भी जमकर बारिश हुई। लगभग 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जल जमाव भी देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बिहार में मॉनसून का असर जोर शोर से देखने को मिल रहा है। बिहार के 22 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जहां 100 से 150 मिलीमीटर भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे जगह भी हैं जहां 200 मिलीमीटर तक अति भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है।